दुष्कर्म की हो रही वारदातों ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन फिर भी हवस के पुजारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अमरोहा के जनपद से एक दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है, जहां एक महिला ने एक युवक पर तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस ने किसी भी कोई कार्रवाई नहीं की है। महिला ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपी युवक पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। जानकारी अनुसार अमरोहा जनपद के थाना नोगावा सादात इलाके की महिला ने एक परिवार के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला बैंक से पैसे निकालकर अपने घर जा रही थी, तभी एक युवक ने उसको गन्ने के खेत में ले जाकर तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला ने थाना नोगावा सादात में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और पीड़ित महिला न्याय के लिए भटक रही है। वहीं मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस अब कार्रवाई करने की बात कह रही है। क्या नाम है तुम्हारा भाई? मेरा नाम इरशाद है जी। बताइए क्या हुआ आज इनके साथ महिला? ये हुआ, हमारे यहाँ से खेड़ के से पैसे निकालने गई थी बैंक से ये। अब उधर से आ रही थी तो इन्होंने यो अपने बच्चों को छोड़ने गया था। इनने बच्चों को छोड़ के बोला ना चाची जी घर पे बैठ, मेरे साथ चल रही तो घर पे, तो वो बोली चलो बेटा चल रहे हैं, तो वो बैठ गई। तो वो दो जने थे, दूसरे का तो पता नहीं चला, लेकिन इसने फिर अंदर ले जाके इसमें बलात्कार किया उनका। अब बलात्कार किया और वो घर पे गई तो बोला ना आग लगा दूंगा, और उसके अंदर ही वही आग उसमें ईख में आग लगाने को बोला, आग लगा दूंगा अगर घर जाके बोला, पैसे छीन लिए। और इतने में दादीगिरी दिखाई, फिर अनिश है इसका बाबा, वहां जाकर उसमें पैसे दे दी पुलिस वालों को। अब पुलिस वाले कह रहे हैं अरे वहां लेके जाओ, वहां लेके जाओ, पूरा उधर से इधर भगा दिया। अब यहाँ से वहां पहुंचाया, कौन सा हॉस्पिटल बता रहे हो? मुन्नी हॉस्पिटल में। मुन्नी हॉस्पिटल बोली मैं तो छुट्टी पे हूँ, वहां से भेज दिया। नहीं वहीं जाओ, यहाँ पे करी तो वो है एक पुलिस वाली, वो बोल रही है कि आना अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। थाने से कोई पुलिस आई है इनके साथ? हाँ, पुलिस क्या कह रही है? वो अंदर बैठी हुई है, तो वो बोल रही है कि आना वो अभी आएंगे, और वो अंदर बैठी हुई है डॉक्टरनी। अब डॉक्टरनी ने जब अब रिपोर्टर से बात करी तो उन्होंने कही मैं अंदर हूँ, तुम लेके क्यों नहीं, तुम सॉरी बोल रही है। अब जब से हमारा चूतिया बना के रखा हुआ है उसने। अच्छा, तो पुलिस इसमें क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही, कल रिपोर्ट भी नहीं करी उसने हमारी। अच्छा, और हमने फोन भी किया, फोन भी नहीं उठाया उसने। कितने लोग थे दुष्कर्म करने वाले? ये दो थे, एक तो भाग्य था। हाँ। इसने जबरदस्ती ज्यादा किया है। अच्छा। बलात्कार करा और आग लगा दी जी, आग लगाने को इन्हें माची निकाल ली, जबरदस्ती भाग के आई है यो हमारे चाचा। का मामला सामने आया, क्या है? अमरोहा जनपद के नौगांव सादात थाना में एक 45 वर्षीय युवती जो चार बच्चों की माँ है और जिसका पति गोवा में रहता है, अपने एक पारिवारिक जेठ के लड़के के साथ मोटरसाइकिल से बैंक पैसा निकालने गई थी। वापसी में बताया कि उसने गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया, अभी वो पंजीकृत कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जाती है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही latest खबरें पाने के लिए bell icon को click कर हमारे channel को like, share and subscribe करें. धन्यवाद.